ओके तो शुरू करते हैं अपना पाइथन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कोर्स। तो पहला है आज का चैप्टर एकदम बेसिक है, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब भी आप आराम से कर सकते हो। बेसिक आज हम लोग देखेंगे सिंटैक्स, कैलकुलेटर, पाइथन कैसे कैलकुलेटर की तरह काम कर सकता है, कुछ ऑपरेटर्स, कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो तीन डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, उनको देखेंगे, वेरिएबल्स। तो ये है बेसिक आज का एजेंडा, तो शुरुआत ही करते हैं। तो अभी आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्रामिंग ही तो नहीं आती है, बट सबने कैलकुलेटर यूज कर रखा है। तो हम लोग कैलकुलेटर से शुरुआत करेंगे कि पाइथन को हम लोग कैलकुलेटर की तरह कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज जो है यहाँ पर जो टूल यूज कर रहे हैं, उस टूल का नाम है कोलैबोरेटरी, गूगल का है, ये गूगल का टूल है। आपको मैं URL नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे इसे खोलना है। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप आराम से ओपन कर सकते हो, आप आराम से यूज कर सकते हो इसको। ये टूल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर जब भी कहीं पर पाइथन शुरू करते हैं तो पहली चीज इंस्टॉलेशन में ही हमें एक दिन का टाइम लग जाता है, एक या डेढ़ क्लासेस लग जाती है। उसमें कई लोग का इंस्टॉल होता है, कई का नहीं इंस्टॉल होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। एक ब्राउजर पर आपको खाली एक वेबसाइट खोलनी है और उस वेबसाइट पर आप खोल कर सीधे अपनी कोडिंग कर सकते हो। तो ये शुरुआत का जो टेक्स्ट है वो खाली वही है, क्या होता है कोडिंग सेल और कैसे होता है। ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं पाइथन का, ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है automatetheboringstuff.com करके, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इस बंदे ने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल से, अगर आपको कोर्स नहीं करना है तो सिंपल यहाँ जाकर इसका पढ़ लो, पढ़ने की तरह, किताब की तरह बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है और काफी अच्छा समझाया है। इसकी बुक भी चाहो तो खरीद सकते हो, मैंने कुछ चीजें यहाँ की डायरेक्टली यूज करी हैं और इसीलिए मैं उसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ। तो इसने भी जो आज हम लोग देखेंगे वो इसके इसी चैप्टर से ही है, और तो उसका यहीं पर लिंक है ऑटोमेट का बोरिंग स्टफ का, ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज हो गया। तो फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, कुछ पाइथन पढ़ेंगे। दो तरह की सेल होती है कोलैबोरेटरी में, कोडिंग सेल, टेक्स्ट सेल। उनको ऐड करने के बाद रन करने के लिए हम डायरेक्टली प्ले बटन को क्लिक कर सकते हैं या फिर शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर दबा सकते हैं। सारी सेल एक साथ रन करनी है तो हम सिंपल रन ऑल कर सकते हैं। यहाँ पर उसके कुछ कमांड लाइन है। पाइथन आपको बाय डिफॉल्ट पाइथन 3 मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। आप रन टाइम में जाकर सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज रन टाइम टाइप में। तो अभी हम लोग हेडर एक्सेस कुछ करना नहीं है, जब मशीन लर्निंग करेंगे तब हम लोग GPU और TPU यूज करेंगे और हमें उसी की जरूरत है, ठीक है। टूल्स और इंसर्ट मेरे ख्याल से सब नॉर्मल है। अभी हमें फाइल्स की जरूरत नहीं है, तो नहीं तो हम लोग यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा कैसे हम लोग को फाइल्स को यूज करना है, ठीक है, कैसे हम लोग फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये इसके कुछ कोड स्निपेट्स हैं जो इन्होंने गूगल कोलैबोरेटरी के ऊपर दिया है कि कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस सब कुछ है, तो ये सिंपल मेरा काम खत्म हो गया। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पाइथन की जर्नी, आज से शुरू होगा। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो भी देखा ही जाएगा। ओके, तो पहली चीज हम लोगों ने कैलकुलेटर की बात करी थी, तो हम सबको कैलकुलेटर पता है, कैलकुलेटर क्या होता है, सबने कोई ना कोई कैलकुलेटर यूज किया ही होगा। तो ये जो मेरी टेक्स्ट रिकॉर्डिंग सेल है, रिकॉर्डिंग सेल में यहाँ प्ले बटन आ जाएगा, तो इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर एड कोड सेल करता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर, पाइथन मान लो कुछ नहीं है, पाइथन खाली कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग अपना कोई नंबर देते हैं, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो रन करता हूं मैं इसको, जब मैं रन करता हूं तो मेरे पास देखो आउटपुट नीचे आ जाता है 4, ओके। और एक बात और ध्यान दो, ये 4 तो आ गया है, ये बता रहा है कि इस सेल का ऑर्डर क्या है रन करने होने का। ऑर्डर का मतलब क्या है कि तुमने कौन सी सेल पहले रन करी, कौन सी सेल बाद में रन करी है। अगर मैं अभी इसी सेल को वापस रन करूंगा तो ये मेरे पास ये नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर देखो 3 हो गया, 3 हो गया नंबर। जब 3 नंबर हो गया मतलब कि ये ऑर्डर मेंटेन करता है कि कौन सी सेल कब रन हुई है। अब हो सकता है कि मैंने नीचे वाली सेल बाद में रन करी, ऊपर वाली सेल पहले रन करी, तो ऑर्डर नंबर मतलब कुछ खास नहीं है, खाली ये है कि यहाँ पर ये सेल जब से जुपिटर नोटबुक शुरू हुई है तब से ये तीसरी बार ये सेल रन हुई थी। तीसरी बार मतलब यानी कि 3 बार, इसके पहले हो सकता है कि 2 सेल कोई और रन हुई हो, कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी हो सकती है, बट मेन ये है कि ये अभी जो इसके हिसाब से ये थर्ड पोजीशन पर रन हुई है इस नोटबुक में। तो फिर से आता है कैलकुलेटर, हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन के बाद हम मतलब कि कुछ एक्सप्रेशन क्या होगा कि दो 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 चीजें हैं, मुझे उनके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं।
तो हम लोगों ने कैलकुलेटर में काम कर रखे हैं, हम लोगों ने 2+2 किया है, हम लोगों ने 1532+534 भी किया है, और इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास 2066 आ गया। और ये खाली एडिशन पे काम नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन भी काम करता है, जैसे मैंने कर लिया 1298 × 789, ठीक है, चाहे बड़ा नंबर होगा तब भी ये चीज काम करेगी। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या चीज हो रही है, यहाँ पर हम लोग एक सिंपल एक काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ चीज लिखा a प्लस बी, जैसे 2+2 है तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो हमने इसको a प्लस बी लिखा। a प्लस बी लिखने के बाद यहाँ पर हम ये दोनों चीजें कुछ सिमिलर सी हैं, क्यों है सिमिलर्स की, दोनों मेरे पास नंबर है कैलकुलेटर में, और ये चीज कुछ अलग है, तो और ये जो पूरी चीज है ये मेरे पास आउटपुट होकर आती है एक नंबर में, ठीक है। मैंने 2+2 किया था, 4 आ गया, 1532 + 5 = 2066 आ गया है, तो ये मेरे पास कुछ आ रहा है आउटपुट, और ये मेरे पास कुछ इनपुट आ गया था, बट इनपुट हमारे पास सिंपल दो नंबर नहीं है, हमारे पास इनपुट का एक फॉर्मेट है। तो ये जो फॉर्मेट है कि मेरे पास कुछ चीजें हैं, कुछ सिमिलर चीजें हैं, कुछ अलग सी चीजें हैं, वो अलग सी चीजें हम सिमिलर चीजों पर करते हैं तो हमारे पास एक अलग से आउटपुट आता है, ये इस चीज को कहा जाता है एक एक्सप्रेशन, इसी चीज को कहा जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, ये एक कलेक्शन है आपका वैल्यूज और ऑपरेटर्स का, और इसकी एक वापस एक गेट रिड्यूस्ड टू अ वैल्यू, इसकी एक वैल्यू निकल कर आती है। तो ये जो मेरा पूरा है ए प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, और ये जो मेरा है, अब इसमें कुछ चीजें होती है, मैंने कहा ना ये दोनों सिमिलर है, इनको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स, बस ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में ऑपरेंड्स बोलते हैं, आप चाहो तो कुछ और कह लो, बट ऑपरेंड्स कहा जाता है। और इन दोनों ऑपरेंड्स, इन दोनों इनपुट के ऊपर जो ऑपरेशन लगता है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर, क्योंकि ये प्लस इन दोनों की वैल्यूज के साथ कुछ कर रहा है। मेरे पास अगर a माइनस बी भी है तो ये दोनों सिमिलर है, ये हो गया ऑपरेटर। मेरे पास a मल्टीप्लाइड बाई बी है तो ये हो गया, दोनों कुछ वैल्यूज हैं, और ये हो गया ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर किसी चीज के ऊपर काम, किसी चीज के ऊपर वर्क करता है, और जिस चीज के ऊपर वर्क करता है उसे कहते हैं ऑपरेंट्स, ठीक है। और इन सबको मिलाकर, ऑपरेटर्स, ऑपरेंट्स और इन सबको मिलाकर हमारे पास होता है एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और ऑपरेंट और ऑपरेटर। तो इन चीजों का डिफरेंशिएशन कोई इतना जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं पता होगा तब भी आप आराम से कर लोगे प्रोग्रामिंग, बट पता होना चाहिए। इसमें सबसे मेन चीज है वो चीज होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन का मैं बता चुका हूँ क्या होती है, बट एक्सप्रेशन क्या होता है कि मेरे पास ये इवेल्युएट होकर, इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करने के बाद उसको, उसके ऊपर जो भी काम है, जो भी मेरा ऑपरेटर और ऑपरेंट के साथ जो भी खिचड़ी मचानी है, उन सबको सॉल्व करने के बाद, उन सबको इवेल्युएट करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे लिए काम की होती है। अभी कैसे होती है, मतलब आपको एकदम बेसिक डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये कुछ एक्सप्रेशन है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, और ये पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं बाद में इस चीजों का काम पड़ेगा, तो इसीलिए मैं एकदम बेसिक से आ रहा हूँ। तो मेरे पास 2+2 = 4, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आप कहोगे कि इसकी कोई वैल्यू तो रिड्यूस होकर आ नहीं रही है, कोई इवेल्युएट होकर नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 2+2 भी एक एक्सप्रेशन है और 4 भी एक एक्सप्रेशन है, और इनके बीच में देखो ये एक ऑपरेटर लगा हुआ है इक्वल्स, तो ये भी टोटल इवेल्युएट होकर कुछ नहीं आ रहा है, मान लो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी नल या फिर नन, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही है, और ये बना हुआ है ऑपरेंट्स और ऑपरेटर्स, और उसके इंटरनल भी बने हुए हैं ऑपरेंट्स और ऑपरेटर्स, तो 2+2 = 4 भी पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें मेरे पास ये तीन हो गए ऑपरेंड, ये दो हो गए ऑपरेटर, और ये सॉल्व कैसे होगा, पहले मैं 2+2 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 4, और ये इक्वल्स टू 4, तो ये 4 = 4 हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको अगर मैं लिखूंगा तो मेरे साथ कुछ खेल होता है, क्या खेल होता है, जैसे मैं लिखता हूँ 2+2 = 4, ठीक है। तो यहां पर
एक खेल होता है और ये आता है कि सिंटैक्स एरर कांट असाइन टू ऑपरेटर। यहां पर जो खेल है वो इसकी वजह से है, इक्वल्स इक्वल्स की वजह से। तो ये चीज जान लो, अभी सिंटैक्स एरर हम देखेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है। इक्वल्स का प्रोग्रामिंग में एक अलग वैल्यू महत्व है, एक अलग चीज है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। सिंगल इक्वल्स की, सिंगल इक्वल टू साइन की प्रोग्रामिंग में एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई टू इक्वल्स टू टू, तो हम लोग जब एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर ये हम बताते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए, उसके हिसाब से हम इसके रूट्स निकालते हैं अपना जो भी सीधाचार्य और वो लगाकर होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, खाली पाइथन में नहीं, सी सी प्लस प्लस जावा में इक्वल्स का मतलब एक चीज अलग होती है, इसे हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, बट यहाँ पर ये चीज फेल होती है। एक्सप्रेशन है बट फेल हो रही है। क्यों फेल क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो इक्वल्स है हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई और काम करेगा, बट यहाँ पर ये काम कोई और कर रहा है। तो इसलिए मैंने एक बार बता दूं कि ये चीज जरूरी हो। तो ये हो गया। तो हम अभी हम लोगों ने बात करी कि तो ऑपरेंड हमें पता है कि अभी हम लोग कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेंड हमारे पास जिनके ऊपर काम होगा वो मेरे पास नंबर ही होंगे। मैंने कुछ कर दिया, कोई नहीं, मेरे पास नंबर ही होंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स हम लोग अलग अलग देखते हैं, ऑपरेंड्स मुझे पता है कि नंबर्स होंगे, ऑपरेटर्स में हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो बेसिक हम लोग क्योंकि मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की शुरुआत से करते हैं और बाद में जो ऑपरेटर्स होंगे वो सब हम देखेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं सिंबल जो बताते हैं कि क्या ऑपरेशन होना है, डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कर सकते हैं। हमें चार बेसिक पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उनके लिए है कि आप हमारे यहाँ एक्स नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन का, हमारे यहाँ एस्ट्रिक्स होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। अगर दो नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं दो एस्ट्रिक तीन लिखूंगा, जो भी दो नंबर होंगे आपके, यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, ठीक है। चार हमें पता है, कुछ और होते हैं पाइथन में, इनका क्या यूज होता है क्या काम करते हैं वो अभी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ओके, तो ये एक टेबल है, इसमें लगभग जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे हैं। पहली चीज है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? पावर। यहां पर एक्सपोनेंट के लिए मेरे पास होता है डबल एस्ट्रिक, तो यहां पर जैसे मैंने लिखा है टू एस्ट्रिक एस्ट्रिक थी, तो इसका मतलब है कि दो की पावर तीन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आठ। ओके, आठ हो जाएगी। तो जहां पर भी मुझे पावर यूज करनी होगी वहां पर मैं दो डबल एस्ट्रिक यूज कर लूंगा, उससे मेरे पावर बन जाएगा। तो अगर मुझे कहीं पर ए की पावर बी कैलकुलेट करना है तो मैं लिख दूंगा ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी। ओके, फिर एक जो नया है वो होता है मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर। अब ये ऑपरेटर सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत ही कारगर ऑपरेटर है और बहुत सारे जगह पर यूज होता है। इसका मेन काम क्या है, इसे आप लोग मॉडुलस या परसेंटेज भी कहते हैं, कुछ लोग मॉडुलस कहते हैं, कुछ लोग रिमाइंडर कहते हैं, पहले सब बराबर है, मैं मॉड भी कहता हूँ, वैसे मॉड की वाली दूसरी होती है, बट यहाँ पर मॉड मैं पर्सनली कहता हूँ। इसका क्या काम होता है कि इसमें अगर आपने दो नंबर को मतलब कि ए परसेंटेज बी या ए मॉड लिखा है, तो ये बी ए को बी से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको ये प्रिंट कर देता है। जैसे मेरे पास आ गया पांच, तो मैं पांच डिवाइड बाई दो करूंगा, सॉरी पांच परसेंटेज दो करूंगा, इसकी वैल्यू आएगी वन, क्योंकि पांच को जब मैं दो से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वन। मैं दो परसेंटेज टू करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा जीरो। मैं 21 परसेंटेज टू करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वन, क्योंकि 21 मेरा मतलब 21 का टू से डिवाइड करोगे तो टू टच जा 20 और वन रिमाइंडर बन जाएगा। तो मॉडुलस मेरे पास होता है रिमाइंडर ऑपरेटर, ये काफी यूज होता है बहुत जगह, ठीक है। तो ये दो अलग थे। तीसरा एक जो इसमें पाइथन में एड किया हुआ है, जो पाइथन में होता है, वो होता है इंटीजर डिवीजन या फ्लोट क्वेश्चन। मैं सिंपल से कहता हूँ इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर। इंटीजर डिवीजन क्यों कहता हूँ, मैंने पांच डिवाइडेड बाय टू किया, मैंने मेरे पास वैल्यू आएगी 2.5 पाइथन में, ठीक है। बट कई बार मुझे ये चीज नहीं चाहिए होती, मुझे चाहिए होता है इनका इंटीजर वैल्यूज, खाली इंटीजर कंपोनेंट, तो उसके लिए मैं 5 ++2 करता हूँ, तो ये मुझे खाली इंटीजर डिवीजन देता है, इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। या फिर यहाँ पर 22 / 8 है तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 point something, तो इसका ये खाली मेन कंपोनेंट है वो ये 2 लेकर आ जाएगा। ये होता है इंटीजर डिवीजन।
ये तीन मेन थे, जो तीन नए हमें पता नहीं होते हैं। उसके बाद वाले जो है कि प्लस डिवाइड इनटू माइनस और प्लस, ये सारे मेरे पास नॉर्मल है। यहाँ पे देखो, इसमें जब 22 डिवाइड बाई 8 किया तो मेरे पास एक डेसिमल वाला नंबर आया है 2.75। तो इसका हम लोग चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कहा था एक वो करते हैं, जैसे मुझे 15 की पावर 2 निकालनी है, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं 15 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2। तीसरा था मेरे को 451% 17 निकालना है। 451 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। ओके, एक मैं और कर लेता हूँ, मेरे पास 451 डिवाइडेड बाई 17। तो मेरे पास इसमें 9 रिमाइंडर था, बट क्वेश्चन क्या होगा, 26 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपल इंटीजर डिवीजन करूंगा, और यहीं पर मैं अगर मुझे डेसिमल में चाहिए, मैं 451 डिवाइडेड बाई 17 करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा, ये डेसिमल में पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने कैलकुलेटर से शुरू किया था, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल दे रखा था। एक चीज होती है कि मतलब कि इवेल्युएशन कैसे होगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन आ गया, देखो पूरा एक्सप्रेशन ही है, कुछ वैल्यूज है उनके ऊपर ऑपरेटर लगे हैं, फिर कुछ वैल्यूज है उनके ऊपर ऑपरेटर लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके सॉल्व करते जाओ। पाइथन की एक प्रॉपर्टी है, जैसे सी सी प्लस प्लस में कई सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या बनते हैं कि आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है, राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, पाइथन में सब कुछ चलता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में चलेगा, तो आप लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करते जाओ, और बॉडमास का रूल यहाँ भी लगता है। ठीक है, एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कैसे सर्च करना है ये भी हम लोग देखेंगे, लाइब्रेरीज कैसे पढ़नी है, ये सब हम लोग आगे आगे धीरे धीरे करते जाएंगे, अभी हम लोग कैलकुलेटर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये था, तो 5-1 का आ गया 4, फिर 7+1 इवेलुएट होकर आया 8, 3-1 इवेलुएट आके आया 2, तो 4 × 8 / 2, फिर ये दोनों हो गए हैं। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट नहीं जा, नहीं लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, बट डिवीजन की ज्यादा प्रेफरेंस है मल्टीप्लीकेशन से, तो इसलिए पहले डिवीजन हुआ। वर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवीजन होता है ना, तो पहले डिवाइड बाई 2 हुआ, फिर 16.0 हुआ। तो ये पूरी कहानी है कैसे एक एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करके एक नंबर पर लेकर आते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स विच इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू। अभी तक हम लोग कैलकुलेटर की बात कर रहे थे, कैलकुलेटर में नंबर होते हैं, कितने टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, या छोड़ो डेटा टाइप नहीं आते, पहले वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, ओके, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स तुम्हारा होता है अमेजन का डब्बा, अमेजन का बॉक्स। आपके पास, आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आपके पास एक बॉक्स आता है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका आईफोन भी हो सकता है, आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपका लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, बॉक्स लगभग सिमिलर ही होते हैं, आप खाली बॉक्स देखकर ये नहीं बता सकते उसके अंदर क्या होगा। तो अमेजन का बॉक्स, अमेजन के बॉक्स है, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स का इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, कैन स्टोर एनी वैल्यू। आपके पास जो वेरिएबल है तो वो एक बॉक्स है, बॉक्स के आपके पास घर में बॉक्स है। अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तो दिवाली में सब सफाई कर रहे हैं, तो जो भी घर का कचरा है वो किसी बॉक्स में डाल देते हैं। जो आपके गर्मी के कपड़े हैं, ठंडिया आ गई है, तो गर्मी के कपड़े आपके बक्से में डाल दिए जा रहे हैं, तो ये बॉक्स है वेरिएबल। इसको बस ऐसे ही ध्यान रखो कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल सकता हूँ, क्या वैल्यू डालता हूँ वो मेरे ऊपर है। अब जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में क्या होता है कि आपका बॉक्स फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है कि अगर आपने बॉक्स किसी पर्टिकुलर आईफोन के लिए बनाया, तो उसमें आप खाली आईफोन ही डाल सकते हो, उसमें आप साबुन नहीं डाल सकते, तो लोग उसमें मतलब कि जो इस चीज के लिए बॉक्स बनाया उसमें खाली वही चीज डाली जा सकती है, और कुछ नहीं डाल सकता है। पाइथन का बॉक्स अलग है, पाइथन का बॉक्स सर्वे सर्वा है, पाइथन के बॉक्स में आप चाहे जो डालो। तो हम लोग बस वेरिएबल से क्या है कि हम लोग एक जगह बनाते हैं, आइडियली क्या होता है कि हम लोग मेमोरी में एक जगह बनाते हैं, मेमोरी मतलब तुम्हारी रैम, रैम, रैम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में एक जगह होती है जो इजीली एक्सेस हो जाती है,
जिसमें बहुत सारे बॉक्स बन सकते हैं, मतलब वो वेयर हाउस है, वो स्टोर हाउस है, उसमें लोग बॉक्स बना के डालते जाते हैं अपने हिसाब से। तो पाइथन के वेरिएबल क्या है कि हम लोग अपनी मेमोरी में हम लोग एक चीज, एक जगह बनाते हैं और कहते हैं इस जगह पर मैं कुछ डालूंगा, क्या डालूंगा वो मुझे अभी नहीं पता है, बट मैं डालूंगा और चाहो तो मैं बनाते ही डाल सकता हूं, ठीक है। तो अब ये जो जगह है, इस जगह का नाम है वेरिएबल। बस जैसे हम लोग का घर का एड्रेस होता है ना, जैसे मेरे घर का एड्रेस है 1 something something, मतलब गली नंबर ये और समथिंग, तो ये बता रहा है कि इस गली में जाओ, मतलब ये जो मेरा पूरा मोहल्ला इंदिरा नगर का, उस मोहल्ले की इंदिरा नगर की इस गली में जाओ, इस गली में जो पहले जहां पर पहला मकान लिखा है वहां पर वो रहता है। कौन रहता है? मैं रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो खाली पता है ये एक आपका वेरिएबल है, क्योंकि आप जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो होती है हेक्साडेसिमल नंबर में, X0XD22FE FE AB, मान लो ये होगी। तो आप ये नहीं याद रख सकते हो, बट आप एक सिंपल वेरिएबल नाम याद रख सकते हो कि हाँ ठीक है भाई हाउस, कि जो मेरा हाउस है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली है। तो वेरिएबल एक बक्सा है और कुछ नहीं है, उसी बक्से को आपको, बक्सा भी क्या है, वो बक्सा है और उस बक्से का नाम है, उस बक्से का नाम है वेरिएबल। तो आपको जब भी अपनी मेमोरी में कोई जगह चाहिए होगी आप सिंपल उस वेरिएबल को यूज करोगे और वो कर दोगे। तो वेरिएबल करता क्या है, मैंने अब तक क्या किया था, 2 + 2, ठीक है 2 + 2। चलो आते हैं, मान लो कि मेरे पास एक मान लो कि मैं ब्याज पे पैसे देता हूँ, मैं ब्याज पे पैसे देता हूँ, तो मुझे ब्याज पे जब पैसे देने हैं तो मैं किसी को पैसे देता हूँ तो मैं उसको कुछ प्रिंसिपल देता हूँ, ओके। और वो मुझसे कहता है कि मैं उसे कहता हूँ कि ये तुम्हारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मुझे 1 साल में चाहिए, ठीक है, मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये मुझे 1 साल में चाहिए, ओके। अब क्या हुआ, मेरे पास कोई आया, उसने कहा कि मुझे तुम 10,000 रुपये दे दो, और मैं कहता हूँ रेट चल रहा है 12% का, ठीक है, और मैं वापस करूँगा 2 साल में, तो मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, अभी कंपाउंड नहीं आते, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, पाइथन से मैंने कैलकुलेटर सीख लिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, P × R × T/100, ठीक है। तो इसने क्योंकि मुझे 3 वैल्यूज दी थी तो मैंने सिंपल कर दिया, 10,000 × 12 × 2/100, तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 2400 रुपए, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया, फिर अब किया, तो ये सारे काम तो मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ, हाँ तो ठीक है कैलकुलेटर से कर सकते हो, बट अभी आप कैलकुलेटर ही यूज कर रहे हो, अभी तक हमने प्रोग्रामिंग तो पढ़ी नहीं है ना, अभी तो हमने कैलकुलेटर ही किया है, तो हम वो काम कर रहे हैं। हाँ अभी हम इसको थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं हम, और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, तो मेरे पास वेरिएबल है, तो मैंने अपना एक बॉक्स बनाया प्रिंसिपल, उसके अंदर मैं डाल दूंगा अपनी जो भी वैल्यू आएगी, एक बॉक्स आ जाएगा मेरा रेट, उसके अंदर मैं डाल दूंगा जो भी वैल्यू आ जाएगी, एक बॉक्स में डाल दूंगा प्रिंसिपल रेट और टाइम, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी। अब इसमें मैं 10,000 डालूं, मैं इसमें 12 डाल दूं, इसमें मैं 2 डाल दूं, अब मैं खाली इन वैल्यूज को चेंज करूंगा, मैं अब बार बार मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, पहले मैं क्या कर रहा था, देखो पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं कर रहा था 10,000 × 12 × 2, ठीक, सॉरी 100 से डिवाइड भी तो करूंगा, ठीक है 2400 आ गया, इसी की बात करते हैं ना। फिर मैंने किया 30,000 × 12 × 2/100, मेरे पास 7200 आ गया। अब देखो दिक्कत क्या हो सकती है, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, यहां पर मैं गलती कर सकता हूँ, मेरा रेट 12 था, मैं खाली 1.2 लिख सकता हूँ इसको, और अगर मैंने गलती से 1.2 कर दिया मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 720 आ जाएगी, मुझे 90% का लॉस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बॉक्स बनाता हूँ। तो पाइथन में बॉक्स बनाना बहुत आसान है, आपको जो भी बॉक्स बनाना है आप उसका नाम दो। मेरा पहला बॉक्स होगा प्रिंसिपल,
ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया प्रिंसिपल का, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 10,000, फिर मैंने रेट की वैल्यू डाल दी 12, और फिर मैंने टाइम की वैल्यू डाल दी 3। ठीक, अब ये मैंने चल दिया, मेरा काम हो गया, इसको मैंने रन कर दिया। अब मेरे पास ये 3 बॉक्स सेव हो गए, ठीक है, 3 बॉक्स सेव हो गए। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं वापस बाद में प्रिंट कर सकता हूँ, तो अगर मैं सिंपल अपना बॉक्स का नाम लिख दूँ प्रिंसिपल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सिंपल मैं बॉक्स का नाम लिख दूँ प्रिंसिपल और इसको मैं रन करूँ, तो मेरे पास देखो 10,000 प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं बाकी को भी प्रिंट कर देता हूँ, मैं रेट को भी प्रिंट करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, किसको, टाइम। तीन चीजें मैंने प्रिंट कर दी, तो मतलब कि मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स अब जहां भी मुझे प्रिंसिपल की जरूरत होगी वहां मुझे 10,000 नहीं लिखना है, वहां मुझे प्रिंसिपल लिखना है खाली। तो मुझे अभी अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा, देखो मेरे पास जो वैल्यू थी 3600 की, वो मेरे पास 3600 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास दूसरा बंदा आया, ठीक, दूसरा बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि यार मुझे 30,000 चाहिए, मेरे को 10,000 नहीं चाहिए, तो मैं खाली क्या करूंगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 30,000 कर दूंगा, रेट और टाइम मेरा सही है, तो मैं फिर से इसको नीचे लिखूंगा और इसको मैं डायरेक्टली रन कर दूंगा। तो देखो मेरे पास 30,000 के हिसाब से मेरे पास 10,800 हो जाएगा। अब मुझे खाली प्रिंसिपल चेंज करना है, मुझे रेट और टाइम नहीं चेंज करना है। अगर उसने कहा कि टाइम भी चेंज करो, तो मैं टाइम चेंज कर दूंगा, तो मैं टाइम इक्वल टू मैं कर देता हूँ 5 साल, और मैं इसको रन करता हूं, तो मेरे पास 18,000 आ गया प्रिंसिपल। तो मैंने क्या किया, अच्छा इसको रन करने के बाद अगर मैं फिर से प्रिंसिपल को प्रिंट करता हूं, तो जो मैंने लास्ट वैल्यू अपडेट करी होगी मेरी आप में वैल्यू वही आएगी। ठीक है, यहां पर मैंने टाइम किया, तो मेरे पास टाइम मेरे पास 5 साल का हो जाएगा, भले मैंने टाइम यहां पर पहले 3 साल दिया था, मेरे पास 5 साल का टाइम हो जाएगा। तो पाइथन में जो भी आपकी लास्ट वैल्यू अपडेट हुई है वही वैल्यू आपकी बाद में आ जाती है, मतलब कि जब भी आप बाद में यूज करोगे तो आ जाती है। अब ये मैंने कर लिया, ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये क्या लिखा है मैंने, ये भी तो एक एक्सप्रेशन ही लिखा है, 4 ऑपरेंड है 3 ऑपरेटर है, तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं। हम लोगों ने यहां क्या लिखा, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, यही तो लिखा ना, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, यही तो लिखा। मैं यहां पर ये भी कर सकता हूं, क्या, वेरिएबल नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद एक वैल्यू देता है, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद एक वैल्यू देता है, तो मैं वेरिएबल नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। अब यहां पर मुझे एक और बॉक्स बनाना था, तो मैं सिंपल करूंगा, मेरे पास सिंपल था, मैं इसको कर दूंगा क्या, मेरे पास हो जाएगा इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, और इसको मैं फिर प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने का भी तरीका क्या है कि सेल के लास्ट में लिख दो जिस चीज को तुम्हें प्रिंट करना हो, मेरे पास सेम वैल्यू 18,000 आ जाएगी, 30,000 के प्रिंसिपल पर 12% के हिसाब से 5 साल के लिए। ओके, तो इस तरह मैं वेरिएबल के अंदर बाकी वेरिएबल्स का यूज करके भी कोड, मतलब एक पाइथन की लाइन लिख सकता हूँ, ये सब पाइथन में सक्सेसफुल है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल की जो लास्ट वैल्यू अपडेटेड होती है वो आ जाती है। ठीक है, तो मेरे पास एक वेरिएबल क्या था, प्रिंसिपल, इस पे मेरे पास था अभी बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास वैल्यू थी 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट के अंदर मेरे पास वैल्यू थी प्रिंसिपल का बॉक्स इंटू रेट का बॉक्स इंटू टाइम का बॉक्स। तो अब अगर मैं इस प्रिंसिपल की वैल्यू को यहां पर 40 कर दूंगा तो क्या मेरा इंटरेस्ट अपडेट होगा, सवाल ये है। तो इसका जवाब है नहीं, नहीं क्यों होगा, क्योंकि ये जब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, जैसे ही मैंने इरेजर कहाँ गया,
जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो इसने यहां पर वो बॉक्स नहीं डाला, इसने सिंपल यहां पर वैल्यू डाल दी 30,000। इसने रेट का बॉक्स नहीं डाला, रेट के बॉक्स में जो वैल्यू थी वो इसने डाल दी, और इसने टाइम का बॉक्स नहीं डाला, इसने टाइम के बॉक्स में जो वैल्यू थी वो डाल दी। तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन जैसे ही आपने लिखा तो वहां पर उसकी वैल्यू नहीं आती है, वहां पर उस बॉक्स में जो वैल्यू होती है वो आ जाती है। अब बाद में अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू 40 करता हूं तो इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट हो चुका है, इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। तो जब पहले ही कैलकुलेट हो चुका है तो अगर मैं इसके बॉक्स के अंदर वैल्यू चेंज कर दूंगा तो भी ये नहीं होगा, मुझे उसके लिए ये लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं करता हूं प्रिंसिपल, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 50,000, ठीक है, उसको मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंसिपल हो गया 50,000, ठीक है, 50,000 आ गया। अब मैं अपना इंटरेस्ट प्रिंट करता हूं, तो आप इंटरेस्ट देखोगे मेरे पास 18,000 ही आया, तो प्रिंसिपल चेंज होने से इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वैसे ही मेरे पास ये चीज सेट हो गई थी। हाँ, अब अगर मैं फिर से ये लाइन को लिखता हूं, इस पूरे सेल को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास अब अपडेट हो गया, क्योंकि मैंने यहां पर प्रिंसिपल मेरा अपडेट हो चुका था। तो इसीलिए देखो मैं कह रहा था ना ऑर्डर ऑर्डर, देखो ऑर्डर ऑर्डर सेल का, तो ये देखो क्या बता रहा है, हाँ ऑर्डर देखो सेल का 23, 24, 25, 26, 27। तो पहले ये कैलकुलेट हुआ, उसकी वैल्यू ये आई है, उसके बाद ये रन हुआ, यहां पर प्रिंसिपल बदल गया है, फिर ये रन हुआ, प्रिंसिपल बदला था लेकिन इंटरेस्ट नहीं बदला क्योंकि इंटरेस्ट यहां से आ रहा है। फिर मैंने इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, उसकी वजह से मुझे यहां पर 30,000 वैल्यू आ गई। तो यहां पर ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है, पहली बात, बात नंबर एक कि एक्सप्रेशन कैन बी सेव्ड टू वेरिएबल, दूसरी बात कि When expression is used, जब भी उसको यूज किया जाता है, its immediate value is set. तीसरी बात कि changing variable in expression, जैसे हमने यहां पर principle का किया, variable value will not change previously calculated expression. ये बात पता होनी चाहिए, ये बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम लोग कह सकते हैं यार मैंने चेंज तो किया था, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई वो पहले ही कैलकुलेट हो चुका है इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तीन बातें थी एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स को लेकर। अब ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास बॉक्स था, मेरे पास जो बॉक्स था उस बॉक्स का नाम था वेरिएबल का जो भी नाम था, ओके, हाँ। अब एक बात ध्यान देते हैं, वेरिएबल के नाम क्या हो सकते हैं, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। वैसे तो आप नाम चाहे जो रखो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान होनी चाहिए कि पहली चीज है कि स्टार्ट विथ अल्फाबेट, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक, बड़े ए से लेकर बड़े जेड तक। दूसरी चीज है, एक ऑप्शन होता है अंडरस्कोर भी हो सकता है, ठीक है, बट अंडरस्कोर हम लोग पाइथन में स्पेसिफिक टाइम पर यूज करते हैं, कब यूज करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट बेसिकली आप अल्फाबेट से स्टार्ट करो, उसके बाद इसमें आप कुछ भी, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे वेरिएबल बनाना, तो मैं बना लूंगा आशुतोष 27, बाद में आप नंबर डाल सकते हो, 27 आशुतोष नहीं लिख सकते वेरिएबल का नाम। वेरिएबल के नाम हमेशा ऐसे रखो जो उसके मतलब के, जैसे यहां पर हमने लिया प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू जाएगी, रेट के अंदर रेट वैल्यू जाएगी, टाइम के अंदर टाइम वैल्यू जाएगी, और इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट वैल्यू जाएगी। सो वेरिएबल के नाम वो रखो जिस टाइप की वैल्यू आप कर रहे हो। बहुत लंबे वेरिएबल ना रख दो, जैसे मत रखो कि प्रिंसिपल
ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ना इतना मत रखो, सिंपल इंटरेस्ट रखो, ये आप रख सकते हो, मना नहीं है, रखना नहीं चाहिए, ठीक है। पाइथन में बेसिकली वेरिएबल, हम लोग जैसे जावा में एक कन्वेंशन होता है कि आप कैमल केस यूज करते हो, कैमल केस का मतलब क्या है, जैसे मुझे लिखना है प्रिंसिपल ऑफ इट्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैं जावा में लिखूंगा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पी छोटा हो जाएगा, जावा में लोग वेरिएबल ऐसे डिफाइन करते हैं। कैमल केस का मतलब क्या है कि हर हर जो नया वर्ड शुरू हो रहा है वो अपर केस में होगा, वो कैपिटल लेटर में होगा। सी में हम लोग बेसिकली इस तरह नहीं करते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पाइथन में जनरली है कि हम लोग छोटे में लिखते हैं और अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल अंडरस्कोर ऑफ सब छोटे में सिंपल इंटरेस्ट, मैं ऐसे लिखूंगा। आप चाहे जो यूज करो, लेकिन जहां भी यूज करो कॉमन यूज करो, ये नहीं कि आधी जगह पर कैमल केस लिखा है, आधी केस आधी जगह पर स्नेक केस, इसे स्नेक केस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस अंडरस्कोर की वजह से, ठीक है। गूगल की गाइडलाइंस है कुछ, आप वो देख सकते हो कि कैसे आपको वेरिएबल नेम लिखने हैं, कैसे नहीं करने हैं, तो वो उसके ऊपर है। तो ये बताना जरूरी था वेरिएबल के नेम कैसे रखे जाए। फिर हम लोग बॉक्स की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया डेटा टाइप्स, तो मैंने कहा था वेरिएबल नेम है एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स अमेज़न का बॉक्स, अमेज़न के बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आईफोन का बॉक्स नहीं है, आईफोन के बॉक्स के अंदर आईफोन ही होगा, मतलब आइडियली अमेज़न का बॉक्स है, उसके बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कुछ भी है ये क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने दो टाइप की वैल्यूज देख रखी है, हम लोगों ने नंबर देख रखे हैं 2, फिर हम लोगों ने 3.75 ये भी नंबर देख रखा है। तो दो तरह के नंबर हमें पता है, एक होते हैं फुल नंबर्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंटीजर्स मैथमेटिक्स में, मतलब कि ये क्या होते हैं होल नंबर्स, या होल नंबर जीरो शुरू होता है, बट इंटीजर्स, इंटीजर्स आप लोग लो, इंटीजर्स का मतलब क्या है, अगर सिंपल टर्म में यूज करें तो 0, 1, 2 एक एक बढ़ता जाएगा और एक एक घटता जाएगा, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। फिर कुछ नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 3.75, तो जहां पर डेसिमल पॉइंट होता है, हाँ, जहां पर डेसिमल पॉइंट होता है उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की भी अपनी हिस्ट्री है कि उसे फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, बट मान लो फ्लोट्स, इसे इसको कहते हैं इंटीजर्स, इनको कहते हैं फ्लोट। तो दो तरह के नंबर मेरे पास हो सकते हैं, 2/3 ये नहीं हो सकता, ये स्टोर होगा कैसे, 0.66 तो ये फ्लोट हो गया, ठीक है, 4/2 ये हो जाएगा 2.0, अगर पॉइंट लगा है तो फ्लोट है, अगर पॉइंट नहीं लगा है तो इंटीजर है, ध्यान रखो पॉइंट फ्लोट, नो पॉइंट इंटीजर। ये दो तरह की चीजें हमारे बॉक्स में आ सकती हैं। एक तरह की चीज और आ सकती है, वो होती है हमारी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट। तो अगर आपके पास पाइथन में आप इसको इस बॉक्स में कुछ यूज करना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम इक्वल्स टू आशुतोष, ठीक है, मेरा नाम है, अब स्ट्रिंग, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, टेक्स्ट को बोला जाता है स्ट्रिंग पाइथन। कि अगर आपको टेक्स्ट लिखना है किसी वेरिएबल में, किसी वेरिएबल में आपको टेक्स्ट स्टोर करना है, किसी बॉक्स में आपको टेक्स्ट स्टोर करना है, हम कहते हैं स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग के बनाने के 3 तरीके होते हैं, जैसे भाई मैंने बनाया क्या ना, मैंने प्रिंसिपल ले लिया इक्वल टू 10,000, सिंपल लिख दिया। मैं मान लो मैं रेट ले लेता हूँ 12.5%, मैंने सिंपल लिख दिया, परसेंटेज नहीं लगाऊंगा, खाली 12.5, क्योंकि परसेंटेज लोग 100 से डिवाइड करते हैं, तो मैं इंटीजर लिख सकता हूँ। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका अलग होगा, कैसे होता है, नेम इक्वल टू सिंगल कोट आशुतोष, सिंगल कोट क्लोज टू क्लोज, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, डबल कोट आशुतोष, डबल कोट आशुतोष, और तीसरा तरीका है ट्रिपल कोट आशुतोष और एंड में ट्रिपल कोट। अब इसका यूज क्या है क्या नहीं यूज है वो अभी हम लोग देख लेते हैं एक झटके में बिना किसी दिक्कत के। ये सिंगल कोट है, ये होता है आपका जो बटन कहाँ पर होता है, कॉमा वाला नहीं, मैं टाइप करता हूँ, ठीक है,
स्ट्रिंग में हम लोग देखते हैं, मैं तीनों तरीके से दिखाता हूँ। मेरे पास आ गया नेम इक्वल्स टू, ये आपका एंटर की के बगल वाला होता है जो नेम इक्वल टू आशुतोष, इसको मुझे प्रिंट करना है तो मैं सिंपल कर दूंगा नेम। देखो आशुतोष प्रिंट हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बताया डबल कोट, नेम इक्वल टू डबल कोट, ये डबल कोट ये वाले दो नहीं है, ये वाले दो नहीं है, ये उसी एंटर के बीच में जो शिफ्ट लगा के यूज होता है आशुतोष। इसको मैं कर देता हूँ आशुतोष टू, फिर से नेम को प्रिंट करता हूँ आशुतोष टू, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया है नेम इक्वल्स टू आशुतोष थ्री, और फिर से मैं नेम को प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आशुतोष थ्री आ गया। अब देखो आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रिंग है कि नंबर है कि फ्लोट है, तो आप सिंपल यहाँ पर देख लो सिंगल कोट्स को, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, इसका मतलब क्या है स्ट्रिंग है। आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के डेटा टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो मेरे पास तीन तरीके हैं इंट फ्लोट और स्ट्रिंग, इसी को हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। ये मतलब बताते हैं कि किस टाइप का डेटा है, सिंपल इंग्लिश किस टाइप का डेटा है, नंबर है डेसिमल नंबर है या टेक्स्ट है। तो ये जो मैंने कहा था कि पाइथन में जो वेरिएबल है वो है बक्सा, और किसका बक्सा है मेजर का बक्सा, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्यों कुछ भी आ सकता है, इसलिए आ सकता है क्योंकि यहां पर देखो मैंने नेम में क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखी है। मैं अगले में फिर से नेम इक्वल टू 12 कर देता हूँ, उसमें नंबर डाल देता हूँ मैं, और मेरा एक कोड चल जाएगा और मेरे पास अब नेम के अंदर 12 आ गया। तो बक्सा है, बक्से के अंदर कुछ भी डालो, C++ जावा इन सब में नहीं होता है ये चीज, इसीलिए उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप्ड और वीकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। तो आपके पास बॉक्स है, बॉक्स में आप कुछ भी डालो, अच्छा ठीक है। एक बार यहाँ इन तीनों, मेरे पास तीन तरीके क्यों है एक काम को करने के, पहला सवाल ये होना चाहिए एक ही काम करने के तीन तरीके क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों का कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे जो एक टेक्स्ट लिखनी है, तो मैंने कहा y string equal to this room is Ashutosh's room, ठीक। मैंने देखो ये लिखा, ध्यान देने की बात दो, सिंगल कोट सिंगल कोट, सिंगल कोट से शुरू हुआ सिंगल कोट से खत्म हो गया। अब अगर तुम ध्यान दोगे हल्का सा, यहां पर ये तुम्हारा ब्लैक में है ये रेड में है, ये बता रहा है कि ये तो स्ट्रिंग है बट यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो गई, ब्लैक में आ गया ना, इसने सोचा ये वेरिएबल है, ये देखो रेड में ब्लैक में, मुझे एपोस्ट्रॉफी यूज करना था तो वहां पर मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई। और इसको अगर मैं रन करता हूँ देखो मेरे पास एक एरर आ जाएगी, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, ये कह रहा है या तो स्ट्रिंग खत्म हो, इसके बाद ये एस क्या है, रूम क्या है, और ये फिर से स्ट्रिंग की शुरू हुई, तो ये मेरे पास कंफ्यूजन आया। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है क्या चीज, मैं डबल कोट से अपनी स्ट्रिंग बनाऊंगा और अब मैं डबल कोट से एंड करूंगा। अब इसको लगेगा कि यहाँ डबल कोट से स्टार्ट हुआ है, डबल कोट से एंड हुआ है, तो और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कि ये डबल कोट से स्टार्ट हुआ है, डबल कोट से एंड हुआ है, तो ये अब एक स्ट्रिंग है, और ये देखो आराम से चल गया। तो जहां पर भी आपको डबल कोट यूज करना हो सिंगल कोट के बीच में, या फिर सिंगल कोट यूज करना हो डबल कोट के बीच में, तो वहां पर हम लोग को पता है ये दो दो तरीके हैं कि आप सिंगल कोट से भी और डबल कोट से बना सकते हो। ट्रिपल कोट का क्या यूज है, ट्रिपल कोट का यूज बताता हूँ। आ गया माय स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिखा दिस इज आशुतोष रूम एंड ही लिव्स हियर, दिस रूम हैज अ कंप्यूटर एंड अ लैपटॉप, ठीक है। अभी मेरा बढ़ता चला जा रहा है, मैं सोचता हूँ मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ, लैपटॉप एंड सी व्हाट ही कैन डू इन द रूम, ठीक है। अब फिर से ध्यान दो कुछ बदला, लाल 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 चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नेक्स्ट लाइन पर आते ही ये क्या हो गया, काला नीला हो गया। काला नीला क्या यूज होता है हम लोग देखेंगे जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कुछ अलग है, यहाँ पर स्ट्रिंग चली और फिर यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने तो डबल कोट से बनाई थी, उसमें सिंगल कोट भी है, मैं एक काम करता हूँ मैं इसको रन करके देखता हूँ, मेरे पास एरर आ गई, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, मतलब क्या है EOL, EOL क्या होता है, एंड
ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल. लिटरल क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे अगले चीज में. बट हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग शुरू करी और इसने कहा क्या यार डबल कोट मुझे मिला ही नहीं, तो दूसरी लाइन पर आ गया. यहाँ पर है पाइथन में दूसरी लाइन का मतलब नई लाइन, तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो. इसीलिए मेरे पास होता है ट्रिपल कोट. ट्रिपल कोट आपका मल्टीपल लाइन को स्पैन कर सकता है, ठीक है. और इसमें मतलब मैं चाहूँ इसमें 25 लाइन बना दूं कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा. और ये उस चीज को सेव कर लेगा. देखो आगे मेरे पास ये स्लैश एन क्यों आया ये हम लोग डिस्कस करेंगे बिना किसी झंझट के. बट मतलब पता होना चाहिए आपको ये जो स्लैश एन है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या मतलब है. इसका मतलब ये कि ये यहाँ से नई लाइन शुरू हो रही है, ऊम से नई लाइन शुरू हो रही है, तो ऊम के पहले स्लैश एन लिखा होगा. तो जब भी हमें सिंगल कोट और डबल कोट जो भी आपको पसंद करे जैसे यूज करो. मैं डबल कोट यूज करता हूँ, आप चाहो तो सिंगल यूज करो, या जिस कंपनी में काम करोगे वहां बताएंगे आपको कौन सा कोट यूज करना है. जहां पर मल्टीपल लाइन आ जाए वहां पर ट्रिपल कोट. ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया. हम लोगों ने एक्सप्रेशन देख लिया, मैथमेटिकल ऑपरेटर ले लिया, वेरिएबल ले लिया और डेटा टाइप देख लिया. तो पाइथन में बेसिकली हमारे पास 3 डेटा टाइप होते हैं, इंट, स्ट्रिंग और फ्लोट. बाकी सब इन्हीं के जोड़ तोड़ से किसी ना किसी तरह बन जाते हैं बड़े आराम से. ओके, तो अभी फर्स्ट प्रोग्राम रह गया है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. मैंने बताया आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है. क्योंकि आपको ये देखकर ये डर नहीं लगना चाहिए, अरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं लिखा है. तीन बक्से हैं, तीन बक्सों में दो को तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और चौथे बक्से से डिवाइड कर रहे हैं. चौथे बक्से मतलब उस बक्से के अंदर की वैल्यूज है. तो ये थी फर्स्ट क्लास. इसके आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तीन फंक्शंस है बेसिकली, इंट प्रिंट लेन और प्रिंट लेन एसटीआर, इंट और फ्लोट, और उनका क्या यूज होता है वो देखेंगे. उसके बाद आप लोग होमवर्क कर सकते हो. तो अभी के लिए इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके साथ. कल ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इफ एल्स और इन सब में कंट्रोल फ्लो में घुसेंगे. ओके, तो थैंक यू आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर.